नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर तीखा हमला, राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा नाना दादी से लेकर पिताजी तक का इतिहास बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के नामांकन में शामिल हुए। इसके बाद नगर निगम चौराहे से बस स्टैंड तक रोड शो किया। फिर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोहन यादव ने कहा कि इनके नाना दादी और पिताजी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अब तक इन्हें देश की मूलभूत समस्याओं का ज्ञान नहीं हुआ। इतने सालों में इनसे गरीबी नहीं हटी और अब कह रहे हैं कि 5 साल हमें मौका दे, 2 गरीबी हटा देंगे। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते लड़ते केरल पहुंच गए, अब हो सकता है केरल से सीधे समुद्र में पहुंच जाएं। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विश्वास का भाव है, जिसके चलते ही जनता का उन्हें भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। इस चुनाव में भी मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुद को देश का प्रधानमंत्री नहीं माना, बल्कि पूरे देश को अपना परिवार मानते हुए हमेशा काम किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम मोदी जी ने किया है, उन्हें पक्का मकान देने का काम मोदी जी ने किया है, और ऐसे कई काम हैं जो मोदी जी ने देश की जनता के लिए किए हैं। इसके बाद सीएम ने एक बार जुबानी हमले तेज किए हैं। सभा में सीएम यादव के साथ कैबिनेट मंत्री विजय शाह, बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल सहित क्षेत्र के सभी बीजेपी विधायक मौजूद थे। 80 करोड़ लोग, पूरा अमेरिका, पूरा इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ये सब देश मिला लो, ऐसे 22 देश मिला लो तो भी 80 करोड़ नहीं होते हैं। इतने सारे लोगों को निशुल्क अन्न दे करके सबके भूख की व्यवस्था करते, जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए, हमारे अपने गरीबों के लिए। और गरीब का मकान अभी तो बने ही बने, और 3 करोड़ फिर नए बनाने की घोषणा की। चिंता मत करना, गांव वाले या शहर वाले, सबको मकान देने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने की। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनका स्वयं का कोई मकान नहीं, स्वयं का आशियाना नहीं, लेकिन कल्पना क्या है कि ये पूरा देश मेरा परिवार है। इतना पवित्र उपदेश, और ऐसे पवित्र उपदेश करने वाले प्रधानमंत्री के लिए क्या हमारे लिए परमात्मा ने कोई नेता बना के दिया है? ये भगवान की कृपा है। ऐसे महापुरुष हमारे बीच नेतृत्व करने वाले हैं, जिनके लिए दुश्मन भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भैया काश नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हो। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। दुश्मन भी तरस रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर कांग्रेस के लोगों के केवल कुर्सी, केवल कुर्सी, केवल सत्ता, इसके कारण क्या क्या बोल रहे हैं। एक बाबू उत्तर प्रदेश में हार के जो भागे तो केरल में जाके अटके, अब की बार जो हारेंगे तो आगे समुंदर है, जगह भी नहीं मिलेगी, कहां जाने वाले, चुनाव लड़ने लायक बचने वाले नहीं। आपके भावी ऐसे केरल के अंदर भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे कि मैं भाजपा वालों का इसलिए विरोध करता हूं कि भाजपा इस देश को नहीं समझती। अच्छा भैया तुम समझा दो तो क्या समझा दो। वो कह रहे कि देश के अंदर अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, इसीलिए देश की कल्पना भी अलग अलग होगी। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो आप, इस देश के अंदर कह रहे हो। अरे हमारा कितना सुंदर नारा है, अलग भाषा अलग देश फिर भी हमारा, ये हमारा विचार हमारे देश के अंदर। इससे आपको अगर देश के अंदर अलग अलग देश देखोगे तो पाप करोगे जो आपके पुरखों ने किया। अंग्रेज भी वो नहीं कर पाए जो कांग्रेस ने किया। अंग्रेज के टाइम पे भी हमारा भारत एक था, दुर्भाग्य के साथ जिस दिन बंटवारा हुआ उस दिन अंग्रेज तो चले गए अपने देश, लेकिन हमारे देश का अगर खंडित हिस्सा मिला तो कांग्रेस के कारण मिला, दुर्भाग्य से कांग्रेस के कारण। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ये हमारी भाजपा नहीं थी, उस समय जनसंघ नहीं था, न जनता पार्टी थी, एकमात्र पार्टी कांग्रेस थी। ये कांग्रेस के सिर पे भारत का बंटवारा, देश का खंडित करने का पाप कांग्रेस के माथे। और पहला दिन हमने सबने देखा, एक के बाद एक गलती कैसे करती। ये हमारा कश्मीर
मुकुटमणि भारत का, अगर इसको भी अलग करके ले जाने के लिए धारा 370 का पाप अपने माथे पे दिया। ये पाप भी कांग्रेस के माथे पे है। लगातार 40,000 लोगों की हत्याएं कश्मीर के कारण से हुई, ये सारा पाप किसके माथे है? और कितनी बेशर्मी से बोल रहे थे, ये पीढ़ी गवाह है। अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस कलंक को भी धोने का काम किया, धारा 370 को उखाड़ के फेंका, फेंका के ये धारा हमारे यहाँ नहीं चलेगी। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, अपना देश अपनी माटी, इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के भाजपा राजनीति करती है। इसलिए ऐसे सारे विषय, हमारे यहाँ सिख बंधु भी बैठे हैं, हमारे सिंधी समाज के लोग भी बैठे हैं, बंगाली समाज के लोग भी बैठे हैं। जब देश का बंटवारा हुआ, इनने आश्वासन दिया था उस समय, आप भले पाकिस्तान में रह जाओ, देश का बंटवारा हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जब आप आना चाहोगे आपका स्वागत करेंगे, आपके देश में अभिनंदन करेंगे। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, झूठ बोल करके उनको वहां मरने के लिए छोड़ दिया। आप बताओ, वो अगर देश के अंदर केवल धर्म बचाने के लिए अपना गांव, जमीन, जायदाद, सारी चीजें छोड़ करके आए, लेकिन आने के बाद इस देश में आके खड़े हो जाए, तो आप क्या कह रहे? इनको अधिकार नहीं है CAA का, इनको अधिकार नहीं है NRC का। अरे वाह भैया, अरे आप कल्पना करो, तालिबान ने सत्ता पकड़ी अफगानिस्तान में, तो हमारे सबके सामने संकट हुआ। सिख भाई बहनों के पहले पहले हमारे मंत्री और प्रधानमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पे रख करके पवित्रता का उद्देश्य धारण करके हमने अपने पवित्र ग्रंथों को भी बचाया, हमारे सभी भरत वंशियों को बचाने का काम अगर किसी ने किया, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। अरे गीता गंगा गौ माता, ये हमारे देश से जिसकी पहचान है, सनातन धर्म की हजारों हजार साल से पहचान है, ऐसे पवित्र देश की उदात्त विचार की भावनाओं के आधार पर देश के अंदर राज्य करने का निर्णय किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार एक के बाद एक माननीय मोदी जी ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आप सबके बीच लगातार आए थे, और आपने भी क्या प्रचंड बहुमत दिया, जोरदार ताली बजाओ। आपने खबर में बस इतना ही, बने रहे CID News के साथ।